से किया है बचपन का मेरा मुंह मैंने नहीं गाया। Few moments later. Assalamu alaikum friend, it's me Anisha Nirmal is back with another video. अभी बजे हैं सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि फाइनली हमारी यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। इतनी छुट्टियों के बाद आज फाइनली यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं। पिछला सारा सेमेस्टर ऑनलाइन रहा, बट अब हमारा थर्ड सेमेस्टर होगा ऑन कैंपस, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पता नहीं किस तरह के कोर्सेज होंगे, क्या सारा सीन होगा, बट उन सबसे पहले जाकर सुनते हैं मामा की डांट, क्योंकि मैं सबको लेट कर रही हूँ। बड़ी बहन का पेपर है और मेरी वजह से लेट हो रही है, तो बाकी यूनिवर्सिटी जाकर मिलते हैं। ईशा चलो जल्दी करो, देर हो रही है। यह मुझे आज तक एक बात नहीं समझ आई, मतलब यूनिवर्सिटी में सब कुछ अलाउ है, मेकअप अलाउ, गैजेट्स अलाउ, तो बैग में हमारे क्या गोला बारूद ढूंढ रहे थे, क्या ज़रूरत है चेक करने की। खैर, चेकिंग हमारे हाला पास करके मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। और टाइम टेबल हमें पहले ही मिल गया था, तो मेरी पहली क्लास 12:30 बजे है, तब तक मैं बिल्कुल फारिग हूं। और अभी मैं जा रही हूं अपने दोस्तों को ढूंढने, उनसे मैं मिलूंगी, बहुत सारी बातें करनी है, साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी। 20 मिनट्स लेटर और यूनिवर्सिटी के SOPs लाजमी फॉलो करने हैं। मास्क बिल्कुल ही पहनना, ध्यान दे, मास्क प्लीज, नो मास्क। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं माल रोड की साइड पर, जो हमारी यूनिवर्सिटी की एक फेवरेट जगह है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये वाले SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं करने, हमारे वाले करने हैं, मेकअप करना है, मेकअप करना है, अच्छे से रेडी होना है, यू नीड टू लुक ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटी, रॉक एंड रोल। यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, इट्स जस्ट अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो ये है माल रोड, फेवरेट कपल स्पॉट। ये पार्किंग एरिया है, वहाँ पे सिवाय टीचर्स के किसी की गाड़ी खड़ी नहीं होती, या 6 semesters से ऊपर की खड़ी होती है। वो हमारा आर्ट्स एंड मीडिया डिपार्टमेंट, आर्ट्स एंड मीडिया डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी जगह इसकी वॉल है, जहाँ पे हर वक्त आवाम खड़ी होती है अपना फ़ोटो शूट करने के लिए, जैसे कि अभी भी यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। और सेकेंडली मुझे जो इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी चीज़ लगती है, वो इसकी गैलरी, आर्ट गैलरी। यार मतलब इतनी अंत अंत की चीज़ें बनी हुई हैं, पेंटिंग, स्केचिंग, मतलब क्या नहीं इधर है यार, मुझे ला के दे दो कोई प्लीज। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, जो कि अभी इसके अंदर बड़ा सा नाला भी है, गटर भी है, दिखाएं। और यहाँ पे कपल्स की बैठने के लिए जगह है, यहाँ पे वो ऊपर से नीचे बैठ के एक जरूरत पड़ने पे किसी को धक्का भी दे सकते हैं। ओके, लड़ाई हो जाए खास तौर पे। फिलहाल मुझे मेरी दूसरी फ्रेंड्स की कॉल आ गई है, तो मैं भी उनके पास जाने लगी हूँ, तो फिर बाद में मिलते हैं। अरे मन बचपन का प्यार मेरा भूल ही जाना रे, जैसा मेरा प्यार है प्यार मुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल, मैंने नहीं गाया। तो ये थी मेरी दोस्तें, जो अपनी सुरीली आवाज़ में अपने बचपन के प्यार को याद कर रही थी। और अब हम आ गए कैफेटेरिया में, बेसिकली इसको हम कैफेटेरिया नहीं कह सकते, इसको मछली बाज़ार कहना चाहिए, क्योंकि इधर सांस भी नहीं दिया जाता, बट स्टिल सारी आवाम इधर ही आती है, फट जाने किसी दिन कैफेटेरिया ने। तो बस इतना सही हमारा कैफ़े था, जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। फिलहाल अभी हम लोग अपनी क्लास का वेट कर रहे हैं कि क्लास मेकअप स्टार्ट होगी, इसमें भी कुछ टाइम है, तो फिलहाल मैं जान लेती हूँ बाहर क्या सीन चल रहे हैं, वो देखते हैं।
तो जैसे कि थर्ड सेमेस्टर का आज हमारा पहला दिन था, तो यहाँ पर कुछ रैगिंग चुपचाप वीडियो बनाना भी चाहिए। गाना सुनाओ मेरे बचपन का प्यार। मेरे बचपन और अब हुआ जाता है क्लास का टाइम, तो मैं जा रही हूँ क्लास लेने और मेरी पहली क्लास है बायो की। बायो की तो क्लास हमारी ख़त्म हो गई है और फातिमा ने कोई बुक लेनी थी लाइब्रेरी से, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। हम लोग बुक लेंगे और उसके बाद अपनी अगली क्लास में जाएंगे, क्योंकि दोनों क्लासेस के बीच में कोई फीस स्लॉट नहीं था, तो बस बुक लेते ही साथ हम अपनी अगली क्लास में जाएंगे। और तो इन दोनों को फिलहाल यहाँ पर भी सुकून नहीं है, मैम आगे पढ़ा रही है और इन्होंने पिक्चर्स लेनी है। भाई पिक्चर्स जरूरी है, लेक्चर बाहर में जाए। Day two. हम कहाँ जा रहे हैं? बर्गर बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल ठीक है, बिरयानी वाले के पास जा रहे हैं। हाँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो, ब्लॉग में ये भी आया, मुझे कट लगे हुए कुछ यार, ये इसको देख लो। जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है। खैर अभी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर देखती हूँ मैं भी वहाँ पे फ्रेश हो जाऊँ। आज का दिन कुछ इतना खास नहीं था, लेक्चर्स लिए, सारा दिन कैफे में बैठे रहे, टिकटॉक्स बनाए, पिक्चर्स ली और बस फिर घर। देखो मुझे क्या हुआ है तेरी यादों में खोकर। सो फाइनली हेयर इज द मोस्ट अवेटेड डे ऑफ द वीक, क्योंकि आज मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलने आने वाली थी और ऊपर से क्लास भी सिर्फ एक थी। ये हम हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी है और ये हम तस्वीरें बना रहे हैं। आज जैसा कि हमारी सिर्फ एक ही क्लास थी और अभी तक मैम नहीं आई, तो मैं जा रही हूँ अपने कुछ दोस्तों से बातें करने के। क्यों? एक ही क्लास है। ओ, और अगर आप चाहती हैं ऑनलाइन पे शिफ्ट हो? क्यों नहीं चाहती? ऑनलाइन में कोई कुछ नहीं पढ़ता। हमारी गुंडा जी यार, तू मुझे अच्छे वक्तों में ला ना, क्या लाई जा, तेरा असल रूप दिखा। अभी थोड़ी देर तक आके उठाएंगे तुम्हें। पिछली बार मैं वहाँ बैठी, तू अंकल आके गया, जब बेटा ये टूट जाएगा। रिफत, आप यूनिवर्सिटी क्यों आई हैं? क्यों आए? भाई से मिलने। फोकस करो भाई। भाई आप यूनिवर्सिटी क्यों आए हैं? फोकस करो बहन को। टू मच फन। हाँ दिया, आप ही अपना उजड़े स्थान लेके क्यों आए? आपको जुम्मे का दिन कैसा लग रहा है?
यार बस ठीक है, एक क्लास के लिए हम इतने टाइम के लिए फॉर होते हैं, लेकिन खैर है साथ दोस्त हों तो फिर बात ही अलग हो जाती है। गुड हो गया, गुड हो गया। मेकअप करने आप कौन है? जी आर की तरह बोल रहा है। जी आर यूनिवर्सिटी। मैं जी आर। जी आर मैं हूँ। वो जो हमारी आज इकलौती क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो अब अगले डेढ़ घंटे तक बस चलती रहेगी नॉन स्टॉप। स्टूडेंट्स की तो समझ आती है, बट यहाँ हमारे सी आर जी आर को फ्रंट पर बैठ के मस्तियाँ सूझ रही हैं। भाई इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। ये एक ही क्लास थी, वो भी ख़त्म हो चुकी हुई है, तो बस अब हमारे पास एक काम बचते हैं, पिक्चर्स लेना। बस पिक्चर्स वीडियोस। बोलो हाजी हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। जहाँ पे ले जाए जाने का। हम इस औरत की क्लास ढूंढने जा रहे हैं, इस औरत की, और इस औरत को पता नहीं रूम 22 कहाँ है और हमें भी नहीं पता। हमें डेढ़ साल हो गए इस यूनिवर्सिटी में और हमें नहीं पता। नेहा फिर क्लास में नहीं जाना? मिल गई है क्लास, मिल गई है क्लास। नेहा क्लास में जाओ। कट नहीं हो रही। ये भाई बहन की दोस्त दिखा रही है। ये सो फाइनली अनुषा आ चुकी है। ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है और ये उनसे मिलने आई है। नहीं, मैं नहीं आई। इस औरत को मालूम कि मसले नहीं खत्म हो रहे। 5 minutes later. तो हम क्या करेंगे? फीस देते हैं तो हम हंसेंगे। क्यों? जितना जाए हंसेंगे। फीस देती है यार ये हंसने के। हाँ फीस देती है। कितनी फीस? 73,000 सिर्फ। वो सर तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमने। घूम के वीडियो नहीं नहीं स्लोमो बनाने जा रहे हैं। और जा किधर है? सेम डे यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ डे था जहाँ फ्री काउंसलिंग हो रही थी और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। सो बाय दिस फर्स्ट वीक ऑफ यूनिवर्सिटी केम टू एंड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वीक गुजरा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।